वेलकम टू शिवानी किचन। फ्रेंड्स, आज मैं यहाँ पर कोई रेसिपी नहीं बताने जा रही हूँ, जहाँ पर मैं जूस निकालने वाली हूँ ऑरेंज का, वो भी घर पे। तो उसके लिए मैं कुछ भी यूज़ नहीं करने वाली हूँ जूस निकालने के लिए, ना मिक्सर ना ग्राइंडर, और मैं कुछ भी यूज़ नहीं करने वाली हूँ ऐसा। उसके लिए यहाँ पर मैंने एक एम्प्टी बोल लिया है और मैंने 3 ऑरेंज लिए हैं, आप देख सकते हैं। चाहे आप ऑरेंज, ये मौसमी है, ये थोड़ा सा बड़ा है साइज, तो मैंने यहाँ पे 3 ऑरेंज लिए हैं मौसमी। 3 ऑरेंज में मैं 1 ग्लास जूस निकालूंगी, तो चलिए देखते हैं कैसे निकालना है। उसके लिए मैंने यहाँ पे ऑरेंज को, आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे ऑरेंज को ऐसे हाफ हाफ पीसेस में कट कर लिया है, और ये बाकी भी 2 मैं ऐसे ही कट कर लूँगी। ये देखिए, इस तरह हम इनको 2-2 पीसेस में, और ये एक काटते समय एक चीज़ का ध्यान रखें, ये जो 2 आईज होती हैं, एक आईज इधर और एक आईज इधर, दोनों आईज को ऐसे पकड़ना है और सेंटर में से कट करना है, ऑरेंज को सेंटर में से कट करना है इस तरह। ये देखिए, अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ऑरेंज में से जितना भी शीड्स है वो हम रिमूव कर देंगे। ये देखिए, जो भी इसमें शीड्स है वो हम रिमूव कर देंगे, और ये जूस बनाने से पहले हम पहले अपने हाथों को अच्छे से सोप से क्लीन करेंगे। तो यहाँ पे मैंने जूस निकालने के लिए सिर्फ एक नाइफ यूज़ किया है, आप देख सकते हैं, और एक ये फॉग का जो बैक साइड है मैं उससे जूस निकालूंगी। मैं उसके लिए कोई मिक्सर ग्राइंडर जूसर एनीथिंग कुछ भी यूज़ नहीं करूंगी। ये देखिए, एक फॉग लिया है और हम अपने हाथ यूज़ करेंगे जूस निकालने के लिए, और फॉग का ये बैक साइड यूज़ करूँगी। तो अभी फ़िलहाल मैंने सारे ऑरेंज में से, देखिए, ऐसे शीट्स रिमूव कर लिए हैं। इस तरह हम सबका शीट्स निकाल लेंगे, क्योंकि जूस में शीट्स नहीं आना चाहिए, और जो मेरे बेटा है उसको पल्प वाला जूस ज़्यादा पसंद है, तो इस जूस को हम छानेंगे भी नहीं, ऐसे ही इंजॉय करेंगे। पल्पी ऑरेंज जूस 3 मौसमी में ग्लास भर के जूस निकलेगा, और उसके लिए मैं घर पर होम फ्रेश जूस, हम लोग फ्रेश जूस ही पीते हैं, जो टेट्रा पैक आते हैं वो हम लोग यूज़ करते। आप देख रहे हैं कि ऑरेंज में से जितना भी शीड्स है वो मैंने यहाँ पे रिमूव कर दिया है। ये देखिए, सारे शीड्स को हम रिमूव कर देंगे इस तरह। सभी ऑरेंज में से 3 ऑरेंज का 6 पीस में से 1 ग्लास ऑफ फुल जूस निकलेगा, जो कि बहुत ही टेस्टी है और इतना स्वीट है कि इसमें कुछ भी शुगर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। और थोड़ा ये ऑरेंज जो है जूसी है काफ़ी, तो इसमें मेरे को, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 3 ऑरेंज लिया है, 3 ऑरेंज को 2-2 पार्ट्स में कट कर लिया है, तो ये 6 पीसेस हुआ। अब 6 पीसेस को मैं यहाँ बाउल ले लिया है। अभी हम बाउल से क्या करेंगे, ऑरेंज को इस तरह होल्ड करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे हम ऑरेंज को इस तरह होल्ड करेंगे, और फर्स्ट में ये का जो बैक साइड है उसको हम, इसके जो मिक्सर होता है वो क्या करता है, जिससे ऑरेंज, जिससे हम जूस निकालते हैं, वो ऑरेंज को पुश करता है, तो अभी हम यहाँ पे उसको ऐसे पुश ना करके इनसाइड उसको पुश करेंगे ऑरेंज को। ये देखिए, ऑरेंज के यहाँ पे मैंने इसको डाला और अपनी तरफ उसको पुश किया, जितना भी उसका जो पल्प है उसको मैंने, आप देख सकते हैं जैसे जैसे मैं पुश कर रही हूँ तो जो ऑरेंज है वो एम्प्टी होता जा रहा है, तो इस तरह उसको मेरी तरफ उसको पुश करेंगे ऑरेंज को। आप देख सकते हैं ऑरेंज एम्प्टी हो गया है, ये देखिए, और उसका जो पल्प है वो बाहर आ गया है निकल के,
जो भी शीट आएगा वो हम निकाल देंगे, उसको हम थोड़ा ऐसे करके प्रेस कर देंगे और साइड कर लीजिए आप हाफ हाफ को। एक बार और मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। ये फॉर्क का बैक साइड लेना है, उसको अंदर की तरफ अपनी तरफ इंजर्ट कर, अपनी तरफ खींचना है उसको प्रेस करते हुए इस तरह, और उसको हम ऐसे रोटेट करते जाएंगे। ऑरेंज को हम वन बाई वन करते हुए उसको रोटेट करते जाएंगे इस तरह, आप देख सकते हैं वन बाई वन एक एक करके हम ऐसे करते जाएंगे। और मैंने निकाल लिया है, आप देख सकते हैं, आपको विश्वास नहीं होगा, ये देखिए ये फुल ऑफ ग्लास, जो भी इसमें एक दो ये आ गए हैं शीट्स वो हम रिमूव कर देंगे, क्योंकि आप चाहें तो छान कर पी सकते हैं, पर जहाँ तक है पल्प वेस्ट ना करें, पल्प जो कि है बॉडी के लिए बहुत हेल्पफुल है, तो जो भी शीट्स हैं वो हम रिमूव कर देंगे यहाँ पे। और थ्री एंड हाफ में मैंने ये फुल ग्लास ऑफ जूस निकाला है, वो भी सिर्फ नाइफ और फॉर्क की बैक साइड की हेल्प से। ये आप फ्रेश जूस अपने घर में अपने बच्चों को अपने पिला सकते हैं डेली निकाल के फ्रेश जूस, जिसके लिए हमें ना तो किसी भी मिक्सर ग्राइंडर और किसी चीज़ की भी हेल्प नहीं लेनी पड़ी। ये देखिए फ्रेश जूस, पल्पी ऑरेंज जूस विदाउट शुगर, जिसमें मैंने कोई शुगर ऐड नहीं किया है, आप देखिए इतना यमी और टेस्टी जूस, जिसके लिए हमने सिर्फ 5 to 6 मिनट में 3.5 ऑरेंज में हमने 2 स्मॉल ग्लासेस जूस और 1 फुल ऑफ ग्लास जूस निकाला है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए, ये ट्रिक पसंद आए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।